प्यारे बच्चों, मैं संदीप श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल करण सॉल्यूशंस 2.8 में आपका स्वागत करता हूँ। आपका इंटर क्लास का यूपी बोर्ड जो पोएट्री में मैंने पहली पोएम पढ़ाई थी, दो वीडियोस में उसको कवर किया था। पहले वीडियो में हमने उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया था, अर्थ बताया, मीनिंग्स लिखाई, सारा कुछ काम किया और उसके बाद में सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन कराया। बड़ा प्यार मिला आप लोगों से उन वीडियोस को लेके। तो अब आगे जो अगली पोएम है, दूसरी द ट्रू ब्यूटी, ये थॉमस कैरे के द्वारा लिखी गई है। ट्रू ब्यूटी का मतलब होता है वास्तविक सुंदरता, सच्ची सुंदरता, जिसका बड़ा ही अच्छा मनमोहक वर्णन किया है कवि ने। तो उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो शुरू के लेसन हैं तीन, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी और ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप बिल्कुल इनको क्लियर करते जाइए। आप ने नोट्स बनाए होंगे, आप पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग में पढ़ते होंगे, आपके सर ने नोट्स बनवाए होंगे, हमारे भी नोट्स ज़रा एक बार देखिएगा और कंपेयर करिएगा। आपको बड़ी ही व्यवहारिक लैंग्वेज मिलेगी, बड़े सरल सी साधारण सी लैंग्वेज मिलेगी, जिसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसको ज़रा एक बार कायदे से समझ लीजिए और उसके बाद में फिर अभी हम बोर्ड पे आपको इसकी एक्सरसाइज कराते हैं, सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, बताता है कवि, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, ही दैट लव्स ए रोजी चीक, रोजी चीक का मतलब होता है गुलाबी गाल, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है। देखिएगा, मैं रिपीट करूँगा कायदे से, चाहे नोट करिएगा या फिर मैं मीनिंग बता दूंगा, उनको कर लीजिएगा। ही दैट लव्स ए रोजी चीक, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है और ए कोरल लिप एडमायर्स, कोरल मीन्स होता है मूंगा और एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, या मूंगे के समान होठों की प्रशंसा करता है। तो जो पहला स्टेंजा है उसमें बताया गया है, दो तरह की ब्यूटी यहाँ पे बताई है कवि ने। एक ब्यूटी है फिजिकल ब्यूटी, जो वाह सुंदरता या शारीरिक सुंदरता है, और दूसरी है मॉरल ब्यूटी, जो कि हमें बाहर से नहीं दिखती, वो आंतरिक सुंदरता है, नैतिक सुंदरता है। तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे हम। फिर से देखते हैं शुरुआत से, ही दैट लव्स ए रोजी चीक, जो व्यक्ति गुलाबी गालों से प्रेम करता है और अ कोरल लिप एडमायर्स, या फिर मूंगे के समान होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, सीक मीन्स होता है खोज करना, या फिर सितारों के समान आँखों की खोज करता है। देखिए, तीन क्वालिटीज़ बताई गई यहाँ पे। पहली क्वालिटी बताई गई कि व्यक्ति चाहता है कि उसका जो जीवन साथी हो, उसका जो पार्टनर हो, उसके गाल गुलाब के समान हो, उसके होंठ मूंगे के समान हो, और उसकी आँखें जो हैं वो सितारों के समान चमकदार हों। आगे कहता है कवि, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, तो इन ईंधन को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन मीन्स बरकरार रखना, इन ईंधन जो आग ये होती है, आग मतलब आग का क्या कहा गया, ये जो गुण होते हैं इनको बनाए रखने के लिए जो ईंधन होता है, या बनाए रखने के लिए जो चीज़ें होती हैं, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, तो जैसे ही उम्र बढ़ती है या बुढ़ापा आता है हम कह सकते हैं, तो ये चीज़ें डिके, डिके मीन्स होता है डिस्ट्रॉय, मतलब नष्ट हो जाना, बुढ़ापे में ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए जो ज्वाला होती है इन चीज़ों की ज्वाला मतलब इन चीज़ों का जो आकर्षण होता है, वो बुढ़ापे के समय वेस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। अगर इनको अपने शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो पार्टनर हो, उसका जीवन साथी हो, उसकी प्रेमिका जो हो, उसके गाल गुलाबों के समान हों, लाल हों,
उसके होंठ जो हैं मूंगे के समान हों, उसकी आंखें जो हैं वो सितारों के समान हों। तो ये क्या है, ये फिजिकल ब्यूटी है। ये कैसी ब्यूटी है, शारीरिक सुंदरता है जो बाहर से हमें दिखाई देती है, तो ये हमेशा नहीं बरकरार रहती। जैसे ही उम्र ढलती है और व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो गुलाबी गाल जो होते हैं वो अंदर धंस जाते हैं, होंठ जो होते हैं वो लटक जाते हैं और आंखें जो होती हैं वो धुंधली हो जाती हैं। अब आप बताइए कि जो बुढ़ापे में उस व्यक्ति से कौन प्रेम करना चाहेगा। युवावस्था में तो ये लक्षण हो सकते हैं, इन लक्षणों से हर व्यक्ति प्रेम करना चाहता है, मगर जैसे ही समय व्यतीत होता है, समय के साथ साथ ये आकर्षण जो होता है वो समाप्त हो जाता है, तब कोई भी व्यक्ति उन गुणों से, ये जो गुण बताए गए हैं फिजिकल क्वालिटी जो फिजिक बताई गई हैं यहाँ पे, उनसे कोई भी प्रेम करना नहीं चाहता, क्योंकि ये क्वालिटी जो हैं वो बाद में जब व्यक्ति बूढ़ा होता तो बचती ही नहीं है। तो ये चीज़ पहले स्टेंजा में बताई गई है। अब दूसरे स्टेंजा की तरफ रुख करते हैं। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, स्मूथ एंड स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़ एवं स्थिर, लेकिन एक दृढ़ एवं स्थिर दिमाग। देखिए अब दूसरे गुण बताए जा रहे हैं कि एक दृढ़ एवं स्थिर दिमाग, जेंटिल थॉट्स, सज्जनतापूर्ण विचार, ईमानदारीपूर्ण विचार, अच्छे विचार, कुछ भी कह सकते हैं व्हाट यू लाइक, एंड काम डिजायर, शांत इच्छाएं। डिजायर का मतलब होता है इच्छाएं, ठीक। हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, एक ऐसा हृदय, इक्वल में समान, जिसके अंदर सभी के लिए समान प्रेम हो। देखिए ऊपर कुछ क्वालिटीज़ थी, यहाँ कुछ क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ पर ध्यान दीजिएगा, इन्हीं से सब कुछ आप सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन करेंगे कि वह व्यक्ति जिसकी विचार, जो जिसके मस्तिष्क दृढ़ और स्थिर हो, उसके विचार बहुत अच्छे हों और उसकी इच्छाएं शांत हों और उसके हृदय में सभी के लिए बराबर का प्रेम हो। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल मीन्स होता है प्रेरित करना। तो ऐसी ये जो चीज़ें होती हैं इनकी आग कभी नहीं बुझती, अर्थात ये गुण जो होते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। देखिए पहले शुरू के स्टेंजा में कि व्यक्ति जिसके जो बाहर से देखने में सुंदर है, यानी बड़ा सुंदर व्यक्ति है, उसके प्यारे से गाल हैं गुलाब जैसे, उसके होंठ हैं मोतियों के जैसे चमकदार, और उसकी जो आँखें हैं बड़ी ही मादक आँखें हैं, बिल्कुल कैसी, सितारों के समान। परंतु ये क्षणिक गुण हैं, ये सुंदरता जो है वो क्षणिक सुंदरता है, कुछ समय तक रहेगी, लोग प्रशंसा करेंगे, लोग देखना पसंद करेंगे, लोग इन गुणों को बहुत अच्छा मानेंगे, मगर जैसे ही बुढ़ापा आएगा, समय व्यतीत होगा, ये सारे गुण समय के साथ साथ नष्ट हो जाएंगे, तब कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को पसंद नहीं करेगा। दूसरे स्टेंजा में बता दिया कि दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क, शांत ईमानदारीपूर्ण विचार, शांत इच्छाएँ और सभी के लिए समान प्रेम वाला हृदय, ये गुण जिस व्यक्ति में हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते, आजीवन रहते हैं, चाहे बचपन हो, चाहे किशोरावस्था हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, ये सारे गुण हमेशा उस व्यक्ति में बरकरार रहते हैं और सभी लोग इन गुणों को देखकर प्रसन्न होते हैं और उनको एडमायर करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। लास्ट की टू लाइन देखिए, वेयर दीज आर नॉट, अपना अनुभव बताता है लेखक, कहता है कि जहाँ पर ये गुण नहीं हैं, कौन से, स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, यानी जहाँ पर दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क नहीं है, जहाँ पर अच्छे से विचार नहीं है, जहाँ शांति इच्छाएँ नहीं हैं, सभी के लिए समान प्रेम वाला हृदय नहीं है, तो कवि कहता है कि जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइज, डिस्पाइज मीन्स घृणा करना, कहता है कि मैं वहाँ पर घृणा करता हूँ, जहाँ पर ये गुण नहीं है मैं घृणा करता हूँ, किन चीज़ों से, लवली चीक्स,
प्यारे से गालों से, लिप्स आर आईज, सुंदर होठों से और चमकदार आँखों से। कवि कहता है कि जो अंदर की सुंदरता है जिस व्यक्ति में नहीं है, तो वो बाहर से कितना भी आकर्षक हो, कितना भी सुंदर हो, ऐसे व्यक्ति से मैं हमेशा घृणा करता हूँ। तो जो पहले स्टैंजा में बताया गया है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या है? वो फिजिकल ब्यूटी है, जो टेम्परेरी ब्यूटी है, समय के साथ साथ वो नष्ट हो जाती है। और जो दूसरा स्टैंजा बताया गया है यहाँ से यहाँ तक, वहाँ पर जो इन गुणों का वर्णन किया गया है वो परमानेंट ब्यूटी है, वो कभी नष्ट नहीं होती, स्थायी सुंदरता है। और ऐसे व्यक्ति को लेखक कहता है कि ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा प्रेम करना चाहूँगा, और जिनमें ये गुण नहीं है वो चाहे जितना सुंदर हो, चाहे उसका शरीर जितना सुंदर हो, मैं ऐसे व्यक्ति से घृणा करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये इसका अर्थ हो गया, व्याख्या हो गई हिंदी में। अब आगे चलते हैं बोर्ड पर और इसकी सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा आगे, अब एक्सरसाइज देख लेते हैं इस पोएट्री की। तो इसमें पूछा जाता है आपके सिलेबस में, एक तो सेंट्रल आइडिया पूछी जाती है एग्ज़ाम में, और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। तो पहले तो आप ये नाम याद कर लीजिए कि पाठ का नाम है, लिस्ट पोएम का नाम है द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता, और किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस कैरे के द्वारा लिखी गई है। सेंट्रल आइडिया देखते हैं हम, एक बार फिर से ज़रा रिपीट करेंगे कि क्या कहानी बन के आती है। कवि कहता है कि कुछ लोग ढूंढते हैं किसी व्यक्ति में कौन सी बाह्य सुंदरता, शारीरिक सुंदरता ढूंढते हैं, कि उसका चेहरा बड़ा आकर्षक हो, उसके गाल गुलाब जैसे हों, होंठे मुँह जो हैं मूंगे जैसी हों, और उसकी आंखें जो हैं सितारों जैसी हों। ठीक, तो ये चीज़ फिजिकल ब्यूटी बता दिया गया। अब एक दृढ़ मस्तिष्क, स्थिर मस्तिष्क हो, अच्छी उसकी इच्छाएं हों, विचार जो हों वो बहुत ही अच्छे और दृढ़ हों, और उस जो हृदय हो उसका वो कैसा हो, सभी के लिए समान प्रेम वाला हृदय हो, तो वो मॉरल ब्यूटी कही जाएगी, वो नैतिक सुंदरता है। तो कवि ने कहा है कि नैतिक सुंदरता फिजिकल ब्यूटी नहीं है, जो सच्ची सुंदरता है फिजिकल ब्यूटी नहीं है, बल्कि वो मॉरल ब्यूटी है, क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होती। व्यक्ति चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, जो आंतरिक सुंदरता है, हमारे शरीर के अंदर जो सुंदरता पाई जा रही है, हम प्रेम से बात कर रहे हैं लोगों से, लोगों को एडमायर कर रहे हैं, कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं उनके प्रति सोच रहे हैं, तो यही जो सुंदरता है, हमारी आंतरिक सुंदरता, हमारी नैतिक सुंदरता, वही सच्ची सुंदरता है। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सेंट्रल आइडिया, देखिएगा, एक्सप्लेन करूंगा मैं एक एक चीज। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट टेल्स, कवि बताता है अबाउट द ट्रू ब्यूटी, इस कविता में कवि सच्ची सुंदरता के बारे में बताता है। आगे देखिए कुछ लक्षण हैं, रोजी चीक्स, गुलाबी गाल, कोरल लिप्स, मूंगे के समान होंठ, स्टार लाइक आईज, सितारों के समान आंखें, आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल ब्यूटी। करेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं हम हिंदी में लक्षण, मैं नोट कर दे रहा हूँ। तो फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी में शारीरिक सुंदरता, शारीरिक सुंदरता, तो जो गुलाबी गाल हैं, मूंगे के समान होठ हैं, सितारों के समान आंखें हैं, ये शारीरिक सुंदरता के लक्षण हैं। फिर आगे बताता है, इट डिस्ट्रॉयज विद द टाइम, वो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। जब तक युवावस्था रहती है ये चीज़ें बड़ा आकर्षक होती हैं, सभी को प्रिय होती हैं, जैसे आया बुढ़ापा, आँखों पे लग गया चश्मा, दांत टूट गए, गाल अंदर बैठ गए, फिर गुलाबी गाल ना कोई देखेगा, ना सितारों के समान आँखें देखेगा। ठीक है, तो वो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, इट डिस्ट्रॉयज विद द टाइम, सो इट इज टेम्पोरेरी ब्यूटी। टेम्पोरेरी ब्यूटी का मतलब होता है अस्थायी सुंदरता, इसलिए ये जो सुंदरता है, कौन सी सुंदरता, जो शारीरिक सुंदरता है,
ये अस्थाई सुंदरता है। अब आगे बताता है कवि, शुरू में कहता है कि ये जो लक्षण हैं ये कैसी सुंदरता के हैं, शारीरिक सुंदरता के हैं, लेकिन ये समय के साथ नष्ट हो जाती है, इसलिए यह अस्थाई सुंदरता है। अब यहाँ से देखिए, बट फर्म एंड कॉन्स्टेंट ब्रेन, इसका मतलब होता है दृढ़ तथा स्थिर मस्तिष्क। फर्म एंड कॉन्स्टेंट ब्रेन का मतलब होता है दृढ़ तथा स्थिर मस्तिष्क। ऑनेस्ट एंड गुड थॉट्स, ईमानदारी पूर्ण और अच्छे विचार। ए हार्ट, हार्ट का मतलब हृदय। इन विच इक्वल लव फॉर एवरीवन, एक ऐसा हृदय जिसमें सभी के लिए बराबर का प्रेम हो, यानी कोई भेदभाव न करता हो, बराबर के लिए प्रेम हो। आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरल ब्यूटी, ये नैतिक सुंदरता के लक्षण हैं। मॉरल मीन्स नैतिक। फिर से देखिए, परंतु दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क, ईमानदारी पूर्ण और अच्छे विचार, एक ऐसा हृदय जिसके अंदर सभी के लिए समान प्रेम की भावना हो, ये जो लक्षण हैं ये कैसे हैं, नैतिक सुंदरता के लक्षण हैं, मॉरल ब्यूटी के करेक्टरिस्टिक्स हैं। इट स्टेज फॉर एवर इन एवरी या एनी पर्सन, यह किसी भी व्यक्ति में, फॉर एवर मीन्स हमेशा, यह किसी भी व्यक्ति में हमेशा रहती है। कौन सी सुंदरता रहती है, कौन सी, मॉरल ब्यूटी, नैतिक सुंदरता, या हमारी आंतरिक सुंदरता। इसके कौन कौन से लक्षण बताए यहाँ पर कवि ने, कि फर्म एंड कॉन्स्टेंट ब्रेन, दृढ़ तथा स्थिर मस्तिष्क, ऑनेस्ट एंड गुड थॉट्स, ईमानदारी पूर्ण और अच्छे विचार, ए हार्ट इन विच इक्वल लव फॉर एवरीवन, सभी के प्रति समान प्रेम रखने वाला हृदय। ये लक्षण जो हैं ये नैतिक सुंदरता के लक्षण हैं, और ये किसी भी व्यक्ति में हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान रहते हैं, चाहे वो बचपन हो, चाहे जवानी हो, या फिर बुढ़ापा हो, ये लक्षण नहीं जानते। सो इट इज परमानेंट ब्यूटी, परमानेंट मीन्स होता है स्थाई, इसलिए यह जो सुंदरता है यह स्थाई सुंदरता है, जो नैतिक सुंदरता है या आंतरिक सुंदरता है हमारी, वह स्थाई सुंदरता है। द पोएट सेज, कवि कहता है, वेयर देर इज नॉट मॉरल क्वालिटी, जहाँ पर नैतिक गुण नहीं है, मॉरल क्वालिटीज कर लेते हैं इसको, क्योंकि कई गुणों की बात हो रही है, या इसको यहाँ पर हम मॉरल ब्यूटी ही कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कवि कहता है, जहाँ पर नैतिक सुंदरता नहीं है, द पर्सन शुड बी द थिंग ऑफ डेरिशन, डेरिशन मीन्स तिरस्कार या घृणा, तो वह घृणा का पात्र है। कवि कहता है, जिस व्यक्ति के अंदर मॉरल ब्यूटी नहीं है, नैतिक सुंदरता नहीं है, वह व्यक्ति कैसा है, घृणा का पात्र है, तिरस्कार का पात्र है। सो द मॉरल ब्यूटी इज द ट्रू ब्यूटी, अतः जो नैतिक सुंदरता है वही सच्ची सुंदरता है। तो ये सेंट्रल आइडिया हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसके बाद एक्सप्लेन कराता हूँ। अब देखते हैं इनका एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया देख लिया आपने, काफ़ी कुछ उसी में से निकल के आएगा। तो पहला स्टेंजा है ही दैट लव्स से लेके वेस्ट अवे तक का, तो हमें रेफरेंस पहले लिखना होता है, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, और लास्ट में एक्सप्लेनेशन लिख के एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो रेफरेंस आपको पता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लिखा जाता है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, लिखिए या सेलेक्टेड लिखिए, जो आपको अच्छा लगे, उचित लगे, फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी, और कंपोज्ड बाई थॉमस कैरे। जब भी आप पोएट्री में लिखेंगे तो कंपोज्ड लिखेंगे, और जब भी प्रोज में लिखेंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे,
तो आप रिटर्न लिखेंगे, ठीक है। तो दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज बाई थॉमस कैरे। तो ये तरीका होता है रेफरेंस लिखने का, इसको सीख लीजिए। कोई भी उसी पोएम आ गई तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग क्या होता है। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज अबाउट द फिजिकल ब्यूटी विच शोज फ्रॉम अपियरेंस। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वाह्य सुंदरता या शारीरिक सुंदरता का वर्णन किया है जो अपियरेंस में दिखती है, जो देखने में बाहर से दिखाई देती है। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन लाइनों को, जरा गौर से देखिएगा। द पोएट सेज, कवि कहता है दैट मैनी पर्सन्स लाइक एनी वन, कि बहुत से व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं हु इज़ ब्यूटीफुल, जो सुंदर हो। बहुत से व्यक्ति जब शादी होती है या कुछ होता है या किसी की प्रेमिका होती है तो वो चाहता है कि वो बहुत ही सुंदर हो। तो सुंदरता में कौन से लक्षण हैं, हर चीक्स आर लाइक ए रोज़, उसके गाल गुलाब जैसे हों, हर लिप्स आर लाइक कोरल, उसके होंठ मूंगे जैसे हों, एंड हर आईज आर लाइक स्टार्स, और उसकी जो आँखें हैं वो सितारों के जैसी हों। बट दीज करेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ फिजिकल ब्यूटी, लेकिन ये लक्षण जो हैं वो शारीरिक सुंदरता के हैं, आंतरिक सुंदरता के नहीं हैं। शारीरिक सुंदरता के ये लक्षण हैं जो बाहर से दिखते हैं। दे शो लाइक इन यंग एज, दे किसके लिए आया है, इन लक्षणों के लिए, ये केवल युवावस्था में ही दिखते हैं। जैसे ही युवावस्था क्रॉस होती है ये सारे लक्षण अपने आप गायब हो जाते हैं। When the person becomes old, जब व्यक्ति बूढ़ा होता है, कौन सा व्यक्ति, जो बड़ा सुंदर होता है, जिसमें ये ऊपर जो मेंशन किए गए हैं लक्षण ये पाए जाते हैं, वो जब बूढ़ा होता है तो क्या होता है, These qualities destroy, ये लक्षण नष्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होना। देन नो वन लाइक्स टू लव आर एडमायर, तब उस व्यक्ति को कोई भी ना तो प्रेम करता है और ना ही उसकी प्रशंसा करता है। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। दीज थिंग्स आर डिस्ट्रॉयबल, ये चीज़ें जो होती हैं नष्ट होने योग्य होती हैं, यानी अपने आप समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। दीज आर टेम्पोरेरी, ये कैसी हैं, अस्थाई हैं। हमने अभी पहले बताया आपको सेंट्रल आइडिया में टेम्पोररी मीन्स अस्थाई, ये चीज़ें अस्थाई हैं। सो फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट द ट्रू ब्यूटी, इसलिए जो बाह्य सुंदरता है, शारीरिक सुंदरता है, वो सच्ची सुंदरता नहीं है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, रेफरेंस हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। बड़ा ही सिंपल वर्ड में, आसान शब्दों में हमने लिखने की कोशिश की है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को रोक के देख लीजिए। आपने पाठ पढ़ा, इसमें सेंट्रल आइडिया लिखा, एक एक्सप्लेनेशन लिखा, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है भाई। तो तुरंत अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ें, बहुत सरल भाषा में चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे और तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, कभी भी आप लेट नहीं होंगे, ठीक। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे वो भी इन चीज़ों को सीखें और आप लोग आगे बढ़ें। अब इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन और बचता है, इसी वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे देखते हैं। अब दूसरे स्टंजा का भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेफरेंस सेम रहेगा, रेफरेंस तो पूरे चाहे वो लेसन हो या पोएम हो वही सेम रहता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन या सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरे। जब आप कोई दूसरी पोएम अगली पढ़ेंगे तो यहाँ पे पोएम का नाम चेंज कर देंगे, यहाँ पे पोएट का नाम चेंज कर देंगे, बाकी यही रहेगा। अब कॉन्टेक्स्ट क्या बताता है कि इन दीज लाइन्स द पोएट सेज अबाउट द मॉरल ब्यूटी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नैतिक सुंदरता के बारे में बताया है, विच इज इंटरनल, जो कि आंतरिक है, विट इज इंटरनल ब्यूटी, लिख सकते हैं यहाँ पे ब्यूटी,
not the moral beauty, it is internal beauty. Eat, यहाँ पे सही कर लें थोड़ा सा, यहाँ कर लें, it does not show from outside, ये बाहर से दिखाई नहीं देती है, यानी जो moral beauty है वो बाहर से दिखाई नहीं देती है. अब ले आते हैं explanation, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है. द पोएट सेज, कवि कहता है अबाउट द मॉरल ब्यूटी, मॉरल ब्यूटी के बारे में कहता है, या कवि नैतिक सुंदरता के बारे में बताता है. इट इज़ नॉट एक्सटर्नल ब्यूटी, यह बाह्य सुंदरता नहीं है. एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य, तो जो ये सुंदरता है मॉरल ब्यूटी ये बाह्य सुंदरता नहीं है, अर्थात बाहर से. इट इज़ नॉट एक्सटर्नल ब्यूटी, ये बाह्य सुंदरता नहीं है, बाहर से नहीं दिखती. इट इज़ इंटरनल ब्यूटी, इंटरनल का मतलब आंतरिक, यह आंतरिक सुंदरता है, मतलब अंदर से आते हैं इनके लक्षण जो होते हैं, बाहर से नहीं दिखाई देते. कौन कौन से लक्षण हैं आगे मेंशन किए गए हैं. फर्म एंड कॉन्स्टेंट माइंड, दृढ़ और स्थिर दिमाग, दृढ़ और स्थिर दिमाग. साइलेंट डिजायर्स, शांत इच्छाएं. ऑनेस्ट एंड गुड थॉट्स, ईमानदारी पूर्ण और अच्छे विचार, यहाँ पे थॉट्स कर लेंगे. एंड सेम लव फॉर एवरीवन, और सभी के लिए समान प्रेम, यानी किसी के प्रति घृणा न हो, किसी के प्रति रोष न हो, सभी के प्रति समान प्रेम हो. आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरल ब्यूटी, ये नैतिक सुंदरता के लक्षण हैं. ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से इनको देख लेते हैं. कि कवि कहता है कि जो नैतिक सुंदरता है वो बाह्य सुंदरता नहीं है, वह आंतरिक सुंदरता है. इसके लक्षण बताता है, दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क, शांत विचार, ईमानदारी पूर्ण और अच्छे विचार, शांत इच्छाएँ, ईमानदारी पूर्ण और अच्छे विचार, और सभी के लिए एक जैसा प्रेम वाला हृदय, मॉरल ब्यूटी नैतिक सुंदरता के लक्षण हैं. इट नेवर डिस्ट्रॉय, ये कभी भी नष्ट नहीं होती. सो इट इज़ परमानेंट ब्यूटी, इसलिए यह स्थायी ब्यूटी है. बचपन से आती है व्यक्तियों में और बुढ़ापे तक रहती है, कभी भी नष्ट नहीं होती है. द पोएट सेज अगेन, फिर से कहता है कवि, पुनः कहता है, इफ एनी पर्सन हैज़ नॉट दीज क्वालिटीज, कि यदि किसी व्यक्ति में ये गुण नहीं है, ही इज द थिंग ऑफ डेरिशन, तो वो तिरस्कार का पात्र है, घृणा का पात्र नहीं है. सो द मॉरल ब्यूटी इज द ट्रू ब्यूटी, अतः जो नैतिक सुंदरता है वही सच्ची सुंदरता है. तो इस तरीके से ये पोएम आपकी समाप्त होती है दोस्तों. आपने पढ़ लिया उसको कायदे से, सेंट्रल आइडिया मैंने लिखा दिया है और एक्सप्लेनेशन भी इसका करा दिया है. तो अब आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और तुरंत अभी आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए. और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.